गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि जो पिछले 10 साल में जो नीट के क्वेश्चंस हैं, यस, जो पहले AIPMT भी हम बोलते थे नीट को, यस, और इस समय हम लोग इसको नीट बोलते हैं, तो पिछले 10 सालों के पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के, और आपको पता है बायो में 90 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लगातार जो 10 साल के पिछले क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम हम देंगे नीट मेगा सीरीज। यस, तो इस नीट मेगा सीरीज में आज हम लोगों ने अभी जो पिछला साल 2019 का जो हमारा नीट का पेपर हुआ है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के हर साल के 90 क्वेश्चंस की, और एक एक क्वेश्चंस का प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे। यस, देखेंगे इसका सही आंसर्स क्या है, और थोड़ा सा उसमें हम लोग मैनिपुलेट्स भी करेंगे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए कि अगर यहां से दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक स्टेप पे देखेंगे। बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, इन सभी नए बच्चों का मोस्ट एंड वार्म वेलकम है बच्चों, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए तीन रास्ते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं वो तीन रास्ते कौन से हैं। चलिए, सबसे पहले रास्ते की अगर हम बात करें तो जो हमारा सबसे पहला रास्ता है वो है आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको वहां पर DNCMI टाइप करना है। जैसे आप DNCMI टाइप करेंगे हमारा यहाँ पर ऐप ओपन हो जाएगा। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है और नीचे लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। तो ये हो गया फर्स्ट वे। दूसरा रास्ता हम देखते हैं, टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर डीएन गुप्ता फॉर नीट, इसके द्वारा भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इफेक्टिव रास्ता है यूट्यूब चैनल जिसका नाम है DNCMI एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट, सबसे अच्छा इफेक्टिव वे है ये, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन भी आपको प्रॉपर मिलते रहे। अभी तक पूरे इंडिया से लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल्स को नीट की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपका मोस्ट वेलकम है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो मोबाइल नंबर भी हैं। पहला मोबाइल नंबर है 7237841191 और सेकेंड मोबाइल नंबर है 9140201565। ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई आपको प्रॉब्लम है डायरेक्ट इस नंबर पे फोन करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। चलिए, जैसे कि आपको पता है जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं, देखते हैं आज का ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट क्या है। चलिए, यस, ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट क्या है जरा ये देख लेते हैं हम लोग। यस, आज का ब्रेन डाइट क्या कहता है कि यू ओनली फेल, आप तभी केवल फेल होते हैं When you stop trying, जब भी आप ट्राई करना कोशिश करना बंद कर देते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट, हर असफलता से हमें सीख मिलनी चाहिए। जो आपको असफलता मिली है उसको आपको ये देखना चाहिए कि मैंने कौन सी गलती की थी, जिस गलती से मैं सफल नहीं हुआ वो गलती आपको रिवाइज नहीं करनी। अगर हम नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो नीट को अगर आपको क्वालिफाई करना है, यस, तो क्या करना है आपको, नीट को अगर क्रैश करना है तो क्या करना है आपको, जितने भी डाउट्स है बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उन डाउट्स को आपको क्लियर करना होगा। तो और अगर ऐसा आप करेंगे तो नीट एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया हमारा जो ब्यूटीफुल सेशन है, इस सेशन में हम लोग नीट 2019 का जो पेपर था इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, कैसे इसे सॉल्व करेंगे और आने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नए साल में कैसे होंगे इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखेंगे। तो चलिए, नीट 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, आपको पता है ये क्वेश्चन सेल साइकिल से है और इसमें पूछा गया है कि सेल्स इन G0 फेज में क्या होता है, सेल्स में क्या ये सेल साइकिल में एंटर करती है, क्या सेल साइकिल सस्पेंड कर जाती है, या सेल साइकिल टर्मिनेट हो जाती है, या एग्जिट द सेल साइकिल। अगर चारों ऑफ ऑप्शन देखेंगे माइडो से तो आपको पता है यहां पर इसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू NCERT क्या कहती है कि G0 एक ऐसी फेज होती है जहां पर जो सेल है वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी होगा। जरा थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए, जरा थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
देखिए जब भी आप इस सेल साइकिल को देखेंगे तो आपको पता है जो प्रॉपर जो फेज है, सबसे पहली फेज इंटरफेज होती है और इस इंटरफेज में सेल प्रॉपर तैयारी करती है डिवीजन की। अगर हम इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज कौन सा है, जी1 है, एस फेज है और जी2 फेज है। ये मिला के क्या होती है हमारी इंटरफेज होती है। इसके बाद आती है हमारी एम फेज। एम फेज में को हम क्या बोलते हैं, यहां पर माइटोसिस हो रहा है और माइटोसिस को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि इसमें डिवीजन किसका होता है, इसमें डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। आफ्टर दैट जो होता है फिर इसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें हम डिवीजन करते हैं साइटोप्लाज्म का और इस तरीके से फाइनली सेल यहां पर डिवाइड हो जाती है। साइटोकाइनेसिस के बाद अगर सेल के पास प्रॉपर रीजन नहीं है या प्रॉपर प्रॉपर तैयारी नहीं है या कुछ सेल्स इस साइटोकाइनेसिस के बाद यहां पर जो एक फेज होती है इसी फेज को हम बोलते हैं G0 फेज। और इस फेज में जब सेल एंट्री करती है तो कुछ सेल्स तो ऐसी होती हैं कि अगर G0 फेज में अगर एक बार एंट्री कर गई तो आपको पता है दोबारा वहां से नहीं निकलेंगी, वो सेल पूरा डिवाइड नहीं करती। एग्जांपल क्या है, जैसे न्यूरॉन सेल्स है, यस, और अगर तैयारी पूरी हो गई तो आ सकती है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी राइट आंसर विल बी क्या होगा, यहां पर जो सेल है वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जा रही है, क्योंकि सेल साइकिल से बाहर हो गई है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये कह रहा है कि फ्लोएम, फ्लोएम आपको पता है जाइलम, और फ्लोएम क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर बंडल से। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है उसमें क्या नहीं होता। तो मैंने जब बच्चे मेरी क्लास में जब पढ़ते तो मैंने बताया कि याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म के केस में फ्लोएम में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है एस और सी, एस से आता है सीप ट्यूब्स और सी से आता है कंपेनियन सेल। तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म के केस में फ्लोएम में दो चीजें नहीं होती, क्या क्या नहीं होता, एक तो सीप ट्यूब्स नहीं होती और दूसरा कंपेनियन सेल्स नहीं होता। तो जरा देख लें यहां पर राइट आंसर कहां पर दिया गया है, यस सी, देखिए बिल्कुल राइट आंसर है, लिखा हुआ है बोथ सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स विल बी एब्सेंट अर्थात लैक्स। जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर केस एंजियोस्पर्म का होता तो एंजियोस्पर्म में वो सारी चीजें होती, लेकिन अगर ये चीज नहीं है तो फ्लोएम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जरा थोड़ा सा आंसर को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म में तो फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक बोथ सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। यस आप देखिए जिम्नोस्पर्म में क्या एक्स्ट्रा होप मिल रहा है, तो यहां पर आपको एल्ब्यूमिनस सेल्स देखने को मिलती है, यस एंड सीप सेल्स ओनली, सीप सेल्स मिलती है ना कि सीप ट्यूब्स, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें अगर एंजियोस्पर्म की हम बात करेंगे, फ्लोएम के जो एंजियोस्पर्म में है यहां पर चारों एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट आपको मिलेंगे एंजियोस्पर्म केस में, चाहे बात सीप ट्यूब्स की हो, कंपेनियन सेल्स की हो, फ्लोएम पैरेन्काइमा की हो या फ्लोएम फाइबर्स की हो, चारों के चारों आपको प्रेजेंट मिलेंगे। तो आपने क्या समझा कि जिम्नोस्पर्म के केस में क्या आपको नहीं मिलेगा, एक तो सीप ट्यूब्स नहीं मिलेगा और दूसरा आपको कंपेनियन सेल्स नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा यहां पर क्या मिल रहा है जिम्नोस्पर्म में, आपको एल्ब्यूमिनस सेल्स मिल रहे हैं और सीप सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सीप ट्यूब्स नहीं है। तो चलिए ये था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स बोथ सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। चलिए देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। आपको पता है जब आप किडनी का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स देखते हो तो आप वहां पर जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है ये आपको पता है, ये नेफ्रॉन है, यस नेफ्रॉन की ये क्या है, पीसीटी है, यहां पर नीचे आएंगे, यस लूप ऑफ हेनले है, यस फिर यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, ये आपकी डीसीटी और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। यस जब आप देखते हैं प्रॉपर, यस तो जो आपका दो तरीके के आपको नेफ्रॉन मिलती है, मेडुलरी और कॉर्टिकल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और आप जानते हैं कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है किडनी के अंदर, यस इसमें तो एक्चुअली यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो मेडुलरी
इंटरस्टीशियल फ्लूइड है वहां पर कंसंट्रेशन कितना होता है, 300 से लेके 1200 तक का कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इनके और इनके बीच में एक ग्रेडियंट डिफरेंस ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड भी हो सकती है और डाइल्यूट भी हो सकती है, डिपेंड इस बात पे करेगा कि किस तरीके की कंडीशन है। यस, तो राइट आंसर अगर आप देखेंगे कि जो कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबिल है, तो मेन जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबिल होता है वो होता है मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड इन द किडनी। क्योंकि मैंने कितना बताया यहां पर, मैंने आपको बताया यहां पर कितना होता है, यहां पर होगा 300 और 300 से बढ़ता हुआ कितना चला जाएगा 1200 तक। तो ये जो डिफरेंस है आप देख रहे हैं टूवर्ड्स नीचे की ओर जैसे जैसे जाते जाएंगे वहां पर जो ऑस्मोलैरिटी है कितनी है, बढ़ती जा रही है 300 से लेके 1200 तक है। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से प्रॉपर चीजें हो पाती हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी प्रॉपर इसी तरीके से फंक्शन कर पाती है इसी फैक्टर की वजह से। यस, तो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है यस वो किस पे डिपेंड करेगा, किसकी वजह से ये कंसंट्रेटेड हो पाता है, तो मेडुलरी में जो उपस्थित ये ऑस्मोलैरिटी है जो नीचे की ओर लगातार बढ़ती जाती है यही मेन रीजन होता है। यस, तो राइट आंसर विल बी ए। चलिए थोड़ा सा जरा इसको हम लोग देख लेते हैं इसके आंसर्स को। यस, आंसर क्या कहते हैं, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम इन द किडनी इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन। क्यों, क्योंकि प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड क्या करता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट्स को नेसेसरी फॉर वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबुल्स। मैंने आपको बताया कि जो आपका ये नेफ्रॉन है, यस, तो इस नेफ्रॉन से आपको पता है यहां पर यह आपकी क्या है, लूपा फेनले है, और यहां से फिर डीसीटी है और फिर आपका ये आ जाता है कनेक्टिंग ट्रैक। तो एक्चुअली जो यहां पर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन है डाइल्यूट, किसकी वजह से, वो इसकी वजह से है कि जब आप मेडुलरी कंसंट्रेशन यहां पर देखेंगे तो 300 टू 1200 है, इसकी वजह से प्रॉपर ग्रेडियंट डेवलप होता है, प्रॉपर आयंस का बाहर जाना या अंदर जाना, इसी बात पे डिफरेंस, इसी बात पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है। तो यही वो प्रॉपर आंसर है जिसको मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया। यस, इस प्रॉपर आप फिर से इसको स्टडी करके इस चीज को समझ सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी इसका क्या हो जाएगा, ए। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस, यहां पर आपको मैचिंग करानी है। कह रहा है मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। ब्रेन का साइज क्या है, साइज के आधार पर आपको करना है। देखो बच्चे जो मेरे क्लास में थे मैंने उनको बताया था, अगर हम बात करें होमो हैबिलिस की, मैंने बताया था जो होमो हैबिलिस है वो मारुति 800 का बड़ा प्रयोग करते हैं। अब आप देखो 800 सीसी आपको कहां मिल रहा है, एक वो आपको मिल रहा है 650 to 800 सीसी, क्लियर है। जो हमारा होमो नियंडर थैलेंसिस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको, ये कैपेसिटी आपको मिलेगी 1400 सीसी। यस, मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है आपको। अगर हम बात करें होमो इरेक्टस की, तो इरेक्टस में जो कैपेसिटी है उसकी ब्रेन साइज की 900 सीसी होती है, और जो लास्ट बचा उसको सिंपल सा हम होमो सेपियंस की 1350 है जो हम लोग हैं। तो फाइनली राइट आंसर आपको कहां मिल रहा है, एका फोर। यस, तो एका हो गया आपका थर्ड, एका थर्ड आ गया, थर्ड आ गया, और बी का हो गया, बी का हो गया फोर्थ। राइट आंसर विल बी बी। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। जरा इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यस, तो यहां पर प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि पॉइंट्स को कि किस तरीके से हमने प्रॉपर इसकी मैचिंग किया है, और ये प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चंस है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, वही लाइंस मैंने यहां पर ली हुई है और एक एक चीज को मैंने यहां पर क्लियर किया है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैक ओपेरान विथ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। जीन्स है और वो कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो अगर हम बात करें, आपको पता है आई जीन, जिसमें जेड ए और वाई जीन आपको पता है तीनों कौन सी है, स्ट्रक्चरल जीन होती है ना। और जो आई जीन है वो क्या करती है,
वो आपको आईजीन है रिप्रेशर, आईजीन होती है रिप्रेशर, क्योंकि ये क्या करती है रिप्रेशर प्रोड्यूस करती है, और जो ऑपरेटर जीन है वहां पर जाके लग जाती है और उसको फंक्शन लेस कर देती है। यस, तो अगर आप देखें यहां पर आंसर प्रॉपर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं आंसर्स को, तो आप मैंने क्या आपको बताया कि आई जीन क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है रिफ्रेशर। जरा हम आंसर्स को देखते हैं इसको प्रॉपर। यस, यहां पर जो लैग ओपरान में जो आई जीन है वो रेगुलेटर जीन है जो प्रोड्यूसेस करती है एक रिप्रेशर को, और ये रिप्रेशर ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड हो जाता है और उसकी फंक्शंस को रोक देता है। जबकि जेड वाई ए, जेड वाई और ए, एक्चुअली ये बी लिखा है, एक्चुअली सही आंसर ये वाई है, जेड वाई ए, तीनों के तीनों ये हमारी स्ट्रक्चरल जीन होती है, तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। लैग ओपरान में एसरसी ऑफ कोलाई के बारे में बताया गया है, और यहां पर जो जेड जीन है, ये जो जेड जीन है ये क्या प्रोड्यूस करती है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो जेड जीन को हम इस तरीके से यहां पर मिला देते हैं, जेड जीन हो गई बीटा गैलेक्टोसिडेज। इसके बाद अगर हम बात करें वाई जीन की, तो वाई जीन क्या प्रोड्यूस कर रही है, परमिएसिस। वाई जीन क्या कर देती है, परमिएस कर देती है सेल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से चीजें अंदर आ जाती है। यस, तो अगर फाइनली हम मैचिंग करें तो ए का हो गया आई जीन का हो गया रिप्रेशर, तो एक हो गया थर्ड, थर्ड को इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें भी दिया है। फिर आपका बी जेड जीन हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो बी बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो बी फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है। सी देख लेते हैं, सी है हमारी डी देख लेते हैं, वाई जीन क्या है परमिएसिस, तो डी का हो गया सेकेंड, तो डी है सेकेंड इसमें। यस, तो राइट आंसर विल बी हमारा हो जाएगा बी। और सी जीन क्या क्या कर रही है, ये ट्रांस एसिटिलेज इसके साथ कनेक्टेड है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो यहां पर देखिए क्या क्या मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। यहां पर ए जीन क्या प्रोड्यूस कर रही है, ट्रांस एसिटिलेज प्रोड्यूस कर रही है, जो हेल्प करता है ट्रांसफर एन एस्टिल ग्रुप फ्रॉम एस्टिल कोएंजाइम टू ए बीटा गैलेक्टोसाइड। तो जब मैं आपको लैग ऑपरान बताने वाला हूं, आप मुझे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर बहुत डिटेल से सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए टाइम कम है, तो सिर्फ यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं कि कौन जीन कौन से प्रोडक्ट्स को बना रही है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन सम प्लांट, कुछ प्लांट्स में जो फीमेल गैमेट्स होती है वो डेवलप होती है इन, फीमेल गैमेट डेवलप इंटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपको पता है तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को तो हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो इसी इस फिनोमिना को तो हमने पार्थेनोजेनेसिस बोला हुआ है। चलिए थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं, सिंगैमी क्या है, ऑटोगैमी क्या है, जरा आंसर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए जरा आंसर को एक्सप्लेन करके हम लोग देखते हैं। देखो पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन हम एम्ब्रियो पर डेवलपमेंट करते हैं। यस, अगर हम बात करें किसकी, पार्थिनोकार्पी की, तो पार्थिनोकार्पी क्या है, इसमें हम डेवलपमेंट करते हैं सीडलेस फ्रूट को फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ द फ्लावर, इसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। अगर हम बात करें सिंगैमी, तो सिंगैमी क्या है, ये फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट्स का। जबकि ऑटोगैमी क्या है, एक तरीके की आपको पता है ये सेल्फ पॉलिनेशन है जिसमें फ्लावर तो पॉलिनेटेड हो जाता है अपने ही पॉलिन के द्वारा, इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी है, ज़ीनोगैमी है ना, कई टर्म्स हैं, तो हमको इस टर्म्स भी पता हो गए और राइट आंसर इसका क्या हो गया, सी, जिसमें इसका मतलब क्या है कि हम कुछ प्लांट में फीमेल गैमेट डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पार्थिनोजेनेसिस। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है, सिंगैमी का क्या होता है, और ऑटोगैमी का क्या होता है, हमने यहां पर प्रॉपर एक्सप्लेन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज, अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग, ये मैसेंजर आरएनए में, ये आपको पता है प्रॉपर कोडिंग है। मैसेंजर आरएनए कहां से बना है, जब डीएनए का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए में क्या होती है, कोडिंग होती है, वही कोडिंग होती है जिससे प्रोटीन बनना है साइटोप्लाज्म में आके। तो ये जो कोडिंग इसमें आपको मैसेंजर आरएनए में दिख रही है,
कह रहा है रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग मैसेंजर आरएनए, कब यहां पर आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यस, तो अगर हम बात करें तो यहां पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स आपको तीन के लिए कोड करता है, एक अमाइनो एसिड्स के लिए तीन अल्फाबेट चाहिए। तो अगर हम देखें, ये कह रहा है कि अगर हम डिलीशन कर दें जी का फिफ्थ पोजीशन से तो क्या कोई चेंजेस मिलेंगे। फिफ्थ पोजीशन में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल चेंजेस मिलेंगे भाई, तीन के लिए है लेकिन ये यहां पर डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल चेंजेस हो जाएंगे। इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन रेस्पेक्टिवली, अगर हम ए और जी को यहां पर जोड़ दें फोर्थ में, 1, 2, 3 एंड 4, फोर्थ में कह रहा है एक एक को हम यहां पर जोड़ दें, एक ए को और जी को हम फिफ्थ पोजीशन में जोड़ दें, बिल्कुल चेंज आपको यहां पर क्या हो जाएगा, चेंजेस मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्रम चेंज हो जाएगा। कह रहा है कि अगर हम डिलीशन कर दें, अगर हम डिलीशन कर दें किसका, जी जी यू का, जी कहां पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पे ये है, फिर 8 पे ये है और यू है 9th पे। अगर हम इसका डिलीशन कर दें, अब देखो तीन अल्फाबेट अगर डिलीट हो जाएंगे तो आपको पता है वन अमाइनो एसिड्स यहां पर नहीं बनेगा, उसके लिए फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं हो जाएगी, लेकिन चेंजेस नहीं होगा भले ही अमाइनो एसिड्स यहां पर ना बने। तो तीन देखो एक अमाइनो एसिड्स के लिए कोड हो गए, तीन इसके लिए कोड हो गए, तीन इसके लिए कोड होगा और तीन इसके लिए कोड हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम, मतलब रीडिंग फ्रेम प्रॉपर बना रहे। रीडिंग फ्रेम कब बना रहेगा, जब तीन तीन अल्फाबेट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के लिए कोड है, लेकिन आपको पता है अगर हमने यहां पर डिलीट कर दिया तो फिर क्या कोड क्या रह जाएगा, ए सी ए, तो ए सी ए तो फिर किसी दूसरे अमाइनो एसिड्स के लिए हो जाएगा ना। तो अगर हमने प्रॉपर एक अमाइनो एसिड्स का कोड डिलीट कर दिया तो वो भले ही अमाइनो एसिड्स ना बने लेकिन रीडिंग फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, सी। चलिए थोड़ा सा आंसर और एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो मैंने आपको रीजंस बताए सारे के सारे रीजंस मैंने यहां पर प्रॉपर दे दिए हैं। यस, और यही वो रीजंस थे जिस रीजंस की वजह से हमने जो आंसर किया वो प्रॉपर सी किया। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर है इज इनहेरिटेड, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं उससे प्रोजीनी में ट्रांसफर हो रहा है, वो कौन सा है। तो आपको पता है वो होती है हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यस, क्या है जरा इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, बॉटुलिज्म क्या है और टिटेनी क्या है। तो आप चलो अगर हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही वो डिसऑर्डर है जो एक्चुअली इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड का मतलब क्या है, पेरेंट से वो प्रोजीनी में आता है। यस, ये कह सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर आप मान लीजिए। मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती हैं धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे स्केलेटल मसल्स क्या हो जाएंगी, वो डिजनरेट होने लगेगी, मतलब खत्म होने लगेगी। ये क्यों होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो बनाने वाली जीन होती है माइटोकॉन्ड्रिया, एक्चुअली वो इनएक्टिवेट हो जाती है। और आपको पता है कि डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन बनाने वाली जीन अगर इनएक्टिव हो गई तो ये प्रोटीन बनेगी नहीं। और आपको पता होना चाहिए यही डिस्ट्रॉफिन जीन ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जीन भी होती है। मैंने यहां पर नहीं लिखा लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि डिस्ट्रॉफिन जीन ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जीन मानी जाती है। यस, और ये जीन अगर इनएक्टिवेट हो गई तो कौन सा प्रोटीन नहीं बनेगा, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बनेगा। और अगर ये नहीं बनेगा तो जो मसल सेल्स हैं वो प्रॉपर इंटैक्ट नहीं हो जाएंगे, मसल सेल्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे। क्योंकि वहां पर क्यों नहीं काम करेंगे, क्योंकि यहां पर जो मसल सेल्स है वो क्या हो रहे हैं, इनएक्टिवेट हो रहे हैं, डिजनरेट हो रहे हैं और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बंदे की डेथ भी हो सकती है, हो जाती है, हो नहीं सकती, हो जाती है। बहुत महंगा इलाज है इसका, अगर आप देखेंगे नेट में निकाल के। मिस्थेनिया ग्रेविस की बात कर लेते हैं, मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक्चुअली ये ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसीज है, इसकी वजह से स्केलेटल मसल्स प्रॉपर काम करना बंद कर देती है, पैरालिसिस हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब होता है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के सेल्स के अंदर उपस्थित सेल्स को फॉरेन बॉडीज मान के उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है।
तो जहां पर आप देखें कि यहां पर जो मिस्थैलिया ग्रेविस है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके की इनहेरिटेड और जेनेटिक डिजीज है, जिसका मेन काम क्या है कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो नहीं बनती, क्योंकि जो डिस्ट्रोफिन जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाती है। बॉटुलिज्म से हम अच्छी तरह परिचित है, फूड पॉइजनिंग में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। यस, एक्चुअली फूड पॉइजनिंग एक किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम की वजह से। और टिटैनी में आपको पता है टिटनेस जिसको हम जानते हैं, यहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इनवॉलेंट्री हो जाता है, मतलब आप पर डिपेंड नहीं करेगा, अपने आप कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे टिटैनी में। और आपको पता है अल्टीमेटली डेथ भी बड़ी इसकी खतरनाक होती है। यस, और इसमें क्या होता है, बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है वो लो हो जाता है। तो ये होता है टिटैनी। तो हमने फाइनली किसकी बात हमें करनी थी, ये देखना था कि कौन सा डिसऑर्डर जो है इनहेरिटेड होता है, मतलब जेनेटिक है। तो जेनेटिक है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है मिस्थैलिया ग्रेविस, बॉटुलिज्म बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम की वजह से हो रहा है, और जो टिटैनी होता है हमारे बॉडी में आपको पता है कैल्शियम की कमी हो जाती है। यस, इसकी वजह से होता है, और ये भी जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से आपको पता ही है। इस तरीके से ये था इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी आप जानते हैं, उसकी वजह से टिटनेस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम, बिल्कुल गलत बात है। सेकेंड कह रहा है ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन and all the ribs are connected dorsally, all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum, क्या सभी ribs connected रहती है? No, आपको पता है दो तरीके की ribs होती है, true ribs और false ribs और floating ribs। floating ribs क्या करती है, kidney को cover करती है, और जो floating ribs है किसको cover करती है, kidney को। जो false rib है क्या है, वो स्टर्नम से साथ कनेक्ट नहीं होती है, जबकि पीछे से जो रिब्स आती है उसके साथ कनेक्टेड हो जाती है। यस, तो ये दोनों गलत हो गए। देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। यस, ये बिल्कुल सही है। और 8, 9 एंड 10 पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद इन द स्टर्नम, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से यहां पर राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, सी। जरा इसको एक्सप्लेन आउट कर लेते हैं प्रॉपर, इसके आंसर्स को जरा देख लेते हैं। यस, अगर हम बात करें इसमें क्या रहा है कि द स्टेटमेंट देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रस, ये तो सही हो गया हमारा जो मैंने आपको भी बताया। अब जरा रीजंस देख लेते हैं, आपको पता है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स ऑफ फर्स्ट, पहले जो 7 पेयर्स होते हैं वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं। यस, जो डार्सली अटैच है थोरेसिक वर्टिब्री से, और वेंट्रली किसके साथ अटैच है, जो आगे वाली टाई बोन होती है स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। 8, 9 एंड 10 पेयर्स जो है वो कैसे हैं, फाल्स हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, बाकी आपको पता है फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स, जो ग्रास लीव्स हैं वो अंदर की ओर इस तरीके से कर्ल हो जा रही है। कह रहा है ग्रास लीव कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, जब बहुत मॉइस्चर बहुत कम होता है वेदर में, बहुत सूखा मौसम है, गर्मी का मौसम समझ लीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये क्यों होता है? यस, तो फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेस इज स्पॉन्जी मेसोफिल्स, ये तो है नहीं रीजन। टाइलोसिस इन बेसल, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, यस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा से निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं, क्योंकि क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है ये ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता है यहां पर बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं, यस इसमें फ्लैसिडिटी आ जाती है, यस जिसकी वजह से ये कर्लिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ओके है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। चलो इसका आंसर थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि जो फ्लैसिडिटी होती है बुलिफॉर्म सेल्स की, फ्लैसिडिटी का मतलब क्या होता है, मुरझाना बुलिफॉर्म सेल्स का, इससे वाटर निकल के बाहर आ जाता है। मोस्ट एप्रोप्रिएटेड रीजन फॉर द कर्लिंग ऑफ ग्रासेस लीव्स ड्यूरिंग ड्राई वेदर, बुलिफॉर्म्स जो सेल्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीव, एंड दे हेल्प टू मिनिमाइज द वाटर लॉस
ड्यू टू ट्रांसपायरेशन ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस पीरियड, भाई मुड़ जाएगी, ट्रांसपायरेशन प्रॉपर होगा नहीं, है ना, तो वहां पर वाटर ग्लास को ही काम कर देती है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन एंटीराइनम, जिसको स्नैपड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, एक रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद ए व्हाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन आपको पिंक फ्लावर मिलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो क्या होता, अगर रेड व्हाइट के साथ हम क्रॉस कराते तो फर्स्ट जनरेशन में तो रेड आता या तो व्हाइट आया, लेकिन मिक्स क्या आ रहा है, मिक्स आ रहा है पिंक कलर, रेड व्हाइट का पिंक आ रहा है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो बिल्कुल दिखा रहा है। वेयर ऑब्टेन व्हेन पिंक फ्लावर वेयर, लेकिन पिंक फ्लावर का जब हमने सेल्फ फिर इसको पॉलिनेटेड किया तो F2 जनरेशन में आपको व्हाइट, रेड और पिंक फ्लावर मिले। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या स्टेटमेंट कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको खोजना है इसमें, ठीक है। सिंपल सी बात है, पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको मैंने सबसे पहले बताया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जब दो जीन्स हैं और दोनों जीन्स क्या करते हैं, मिक्सिंग प्रभाव दे रहे हैं, रेड और व्हाइट की मिक्सिंग प्रभाव दे रही, तो पिंक कलर आया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, बिल्कुल सही बात है। रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, इसमें आपको मिल रहा है F2 में जो रेड है वो 1/4 है, 25% है, पिंक 2/4 है, यस, और व्हाइट 1/4 है, तो 50 20 25 25, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, रेशियो बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, कह रहा है जो एक्सपेरिमेंट है इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। कई बात सही है, सेग्रीगेशन का मतलब यह है कि रेड और व्हाइट चूंकि दो पेरेंट्स फ्लावर थे उनके बीच हमने क्रॉस कराया था, तो अगर प्रोजेनी में रेड और व्हाइट नहीं दिखते, सिर्फ पिंक ही देखते, तो हम कहते सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लेकिन जब हमने इसको सेल्फ क्रॉस कराया तो वहां पर रेड भी मिल रहे हैं और वहां पर व्हाइट भी मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो दिखा रहा है ना, यस, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, लेकिन ऐसा यहां पर ऐसा नहीं है, तो यही स्टेटमेंट आई होप गलत होना चाहिए। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, क्योंकि भाई रेड और व्हाइट के बीच में कर रहे हैं तो रेड और व्हाइट दिख भी तो रहा है, रेड भी आ रहा है व्हाइट भी आ रहा है, तो राइट आंसर यहां पर गलत आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये जो स्टेटमेंट गलत कौन सा है, सी वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए जरा इसका आंसर भी देखते हैं, आंसर प्रॉपर जो मैंने आपको बताया सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी है, तो जो बच्चे जानना चाहे उसको पढ़ के प्रॉपर चीजें समझ सकते हैं, जो मैंने बताया वही यहां पर मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यस, जाइलम ट्रांसलोकेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स का आपको पता है क्वेश्चन है, और आपको पता है जाइलम क्या क्या करता है, वाटर करता है, मिनरल्स करता है, हार्मोन्स करता है, ये सब तो करता है ना, कुछ वाटर मिनरल्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स, राइट आंसर विल बी सी, डायरेक्ट आंसर है, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। और एक चीज आपको पता है कि जाइलम से जो ट्रांसलोकेशन होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम से बाई डायरेक्शनल होता है, तो राइट आंसर विल बी यहां पर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन प्रॉपर कर दिया, आप देख लीजिएगा। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट, आपको पता है इनर वॉल ऑफ ओवरी में, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ओव्यूल्स आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, इस तरीके के प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल प्रेजेंटेशन। इजी क्वेश्चन है, जरा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं प्रॉपर आंसर, इसका आंसर देखते हैं, जो मैंने आपको बताया राइट आंसर क्या होगा, पैराइटल प्रेजेंटेशन। देखो पैराइटल प्रेजेंटेशन दिया है, इनर वॉल में ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से प्रॉपर डेवलप हुआ है, ओव्यूल्स कहां पर डेवलप हुए हैं, इनर वॉल ऑफ द ओवरी में, और किस तरीके से, पेरिफेरल वॉल में, और तो इस तरीके से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पैराइटल प्लेसेंटेशन। चलिए एक्साइल और फ्री सेंट्रल और बेसल आपको पता ही है, बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जब ओव्यूल्स को हम प्लेस कर देते हैं एट द बेस ऑफ ओवरी तो वहां पर बेसल प्लेसेंटेशन हो जाता है। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, यहां पर जब प्लेसेंटा डेवलप होता है एट द सेंटर ऑफ द ओवरी, यस, एज प्रोलोंगेशन ऑफ फ्लोरल एक्सिस, ऑन दिस एक्सिस द
द ओव्यूल्स आर अटैच होते हैं, तो इसको क्या बोलते थे, फ्री सेंटर। यस, तो राइट आंसर इसका क्या है हमारा, बी। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जब ओव्यूल्स जो है प्लेस्ड हो जाते हैं अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवरी, तो इसको बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। यस, मार्जिनल भी आपको पता है, मार्जिनल आपको मिलती है पी वगैरह में देखने को, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पैराइटल प्लेसेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट। देखो दो तरीके के होते हैं, एक ग्लूकोज इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होते हैं इनडिपेंडेंट। तो याद रखिएगा, इनडिपेंडेंट होता है ग्लूट फोर, और जो सेकेंड और थर्ड और जो फर्स्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडिपेंडेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस साल भी क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस हैं। तो ये प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो जो ग्लूट फोर होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, बाकी के ग्लूट सेकेंड थर्ड और फर्स्ट ये इनडिपेंडेंट होते हैं। इसका आंसर प्रॉपर मैं देख लेता हूं। चलिए, यस, ग्लूट फोर इज ए इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। यस, ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को मसल्स एंड एडिपोज सेल्स में अंडर एनाबॉलिक कंडीशन। यस, यही परमिट करता है, फैसिलिटेटेड करता है कि डिफ्यूजन होकर प्रॉपर ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाए। जबकि आपका ग्लूट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड ये क्या होते हैं, ये ग्लूकोज जो है ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, थर्ड फर्स्ट और सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले साल क्वेश्चन बनने के चांसेस है, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर कौन होते हैं, तो वो होते हैं सेकेंड थर्ड और फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है। पहला है कि इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनिमल्स। आपको पता है एनिमल की बात हो या प्लांट्स की बात हो, मेंडल में आप जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मेंडल आपको पता है प्योर लाइन डेवलप करने के लिए क्या कर रहे थे, कम से कम 6 बार 7 बार 8 बार सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे थे, तो वहां पर क्या होती, प्योर लाइन डेवलप हो रही थी। तो बिल्कुल सही बात है, इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल और प्लांट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है कि इनब्रीडिंग सिलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन को सिलेक्ट करता है, दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्या ये सही है, इनब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, और इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ये तो बिल्कुल सही बात है, इन दोनों में हमारा क्या है, कंफ्यूजन है। चलिए जरा इसका आंसर दीजिए नीचे स्टेटमेंट में, उसमें कमेंट्स में बताता हूं आपको, और फिर प्रॉपर आंसर आपको देता हूं। चलिए जरा अब देखते हैं प्रॉपर इसका आंसर। यहां पर आप देखिए कि ये क्या कह रहा है कि इनब्रीडिंग सिलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन, बिल्कुल गलत बात है, That reduce fertility and productivity. Actually, ये harmful recessive genes को select नहीं करता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। Yes, ये incorrect है। ये क्या कह रहा है, correct information है इस statement की जो inbreeding है वो कभी भी does not select harmful recessive gene, it exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection and thus reduces fertility and productivity. Is ye hai main point. This is called inbreeding depression. To right answer iska kya ho jayega, incorrect statement kaun sa hai hamara, incorrect statement hai hamara B hoga. Chalo next question ko padhte hain. Select the incorrect statement. In male grasshopper 50% of the sperm have no sex chromosome. Incorrect statement aapko dekhna hai. बिल्कुल सही बात है, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। सेक्स का मतलब है कि जो प्रोजेनी होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। आपको पता है अगर हम इसकी बात करें, डोमेस्टिकेटेड जो फाउल्स होता है इसमें सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। यहां पर आपको एग आपको पता होना चाहिए होमो नहीं होता, हेट्रो होता है। फीमेल में क्या होता है, होमो है, और स्पर्म क्या है, देखिए अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो आपको पता है एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम है ह्यूमन में, और एक्सेस क्या है, फीमेल है,
तो यहां पर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ये किस पे डिपेंड्स करेगा कि पर्टिकुलर प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल होगी, इस पे डिपेंड करेगा। भाई एक्स अगर इसके साथ करेगा तो फीमेल आएगा, अगर वाई एक्स के साथ करेगा तो एक्स वाई होगा। तो ये एक्स वाई क्या है, मेल है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, हेटरो पे। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो आपकी डोमेस्टिकेटेड फाउल्स में क्या होता है कि डोमेस्टिकेटेड फाउल्स में उल्टा होता है, यहां पर जो फीमेल होती है वो हेटरो हो जाती है और जो मेल है वहां पर होमो हो जाता है। तो बिल्कुल यहां पर एक गलत स्टेटमेंट यही दिया गया है, यस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा सेकंड होगा। चलिए जरा इसका प्रॉपर आंसर देख लेते हैं, यही आंसर होगा जो मैंने प्रॉपर आपको बताया है, यस। यहां पर क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, दैट इज वाई ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोलोस्ट्रम आप जानते हैं, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस समय जो पहली बार मिल्क फीड करता है बेबी वो येलोइश कलर का होता है और उस मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। द येलोइश फ्रूट सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे, शुरुआती दिनों में, ऑफ लैक्टेशन इज वेरी इसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज इट कंटेन्स। इसमें ऐसा क्या होता है, आप देखते होंगे टीवी के एड में भी बताता है कि जो डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट जो बेबी फीडिंग करता है मिल्क का अपनी मदर से, तो वहां पर पहला दूध बहुत अच्छा होता है उसका, क्योंकि उससे उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है और इम्यून सिस्टम डेवलप होने के लिए आपको पता है आईजीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन, यस। तो अगर हम बात करें तो यहां पर कह रहा है कि ऐसा उसमें क्या होता है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, तो उसमें होता है आईजी, इसको हम बोल सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। नेचुरल किलर सेल्स आपको पता है ये इनेट इम्यूनिटी है, मिलती मिलती है। मैक्रोफेजेस आपको पता है वो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, जो खापी के बराबर कर देते हैं जो भी कचड़ा है या कुछ चीजें हैं, कोई पैरासाइट्स वगैरह है। मोनोसाइट्स आपको पता ही है, बिग सेल्स हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। जल्द से आंसर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, यस। पूरा का पूरा आंसर मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है और यहां पर बताया हुआ है कि यही आईजीए है, यस, ये मदर्स की मिल्क में सिक्रीट होता है और इसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका दूसरा नाम क्या है, सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोसाइट्स आपको मैंने आपको बता दिया, यस, क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस, ये इम्यून सिस्टम बना ही रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ए जीन लोकस कह रहा है, ए जीन लोकस हैज टू एलील्स, कैपिटल ए डोमिनेंट, स्मॉल ए रिसेसिव, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज 0.4, अगर डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितना बता रहा है 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट कैसा है, कैपिटल ए, और कैपिटल ए की पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हेट्रोजाइगस की कितनी होगी, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। एंड होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या है, स्माले स्माले, इसकी कितनी होगी इन द पॉपुलेशन में पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। आपको पता है एलील्स क्या होती हैं, दो जीन के एक डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल ए और हो गया स्माले, तो एक जीन के ये दो एलील्स होते हैं। अगर हम बात करें ये कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, इसको बोलते हैं पी प्लस की इज इक्वल टू वन। P क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, डोमिनेंट एलील्स की, और जो जो स्मॉल ए है ये है रिसेसिव, इसको बोलते हैं Q, ये है रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी बराबर 1। तो जरा हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इस फार्मूले से कि कैपिटल A की दी हुई है, तो सबसे पहले तो हम स्मॉल A की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, तो इसी इक्वेशन से निकालेंगे। तो जरा निकाल लेते हैं, एक एक क्रम आपको देख लेते हैं, प्रॉपर मैं इसकी आंसरिंग आपको बता देता हूं। तो चलो जरा इसका आंसर देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे मैंने पहले क्या बताया कि यहां पर डोमिनेंट ए की फ्रीक्वेंसी 0.4 दी हुई है, तो अगर हमें इसे निकालना है तो हमें यही इक्वेशन लागू करना होगा, पी प्लस की इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, यहां पर डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी 0.4 दिया हुआ है, गिवन है, फ्रीक्वेंसी रिसेसिव एलील्स की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू बराबर 1, तो क्यू बराबर क्या देंगे, 1 माइनस 0.4, ये 1 है और P को हम इसमें घटा देंगे, तो 0.4 तो दी हुई है, देखो 0.4 दी है ना, तो 1 से अगर हम घटाएंगे तो 0.6 आएगा ना, तो 0.6 किसकी हो गई, Q की हो गई, रिसेसिव वाली की हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है,
आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे पहले हमको बताइए कि होमोजाइगस जो डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल ए और कैपिटल ए, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? तो कैसे निकालेंगे? ए क्या है? पी है, तो हम क्या कर देंगे इसको पी स्क्वायर कर देंगे। पी की फ्रीक्वेंसी दी हुई 0.4, तो 0.4 का हमने अगर इसको कर दिया तो क्या आएगा 0.16, तो पी का 0.16 निकल के आ गया। तो देखो पी का यहां पर 0.16 इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है। चलिए जरा दूसरा देखते हैं, हेटरोजाइगस। हेटरोजाइगस का मतलब क्या है? कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पता है, स्मॉल ए के हम निकाल चुके हैं, इस इक्वेशन में रख देंगे, प्रॉपर आ जाएगा 0.48। 0.48 कहां पर है? यह है, बिल्कुल सही आ गया। फिर क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल ए, इस स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, इसको हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 0.36। 0.36 राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। इसको निकालने का सिंपल सा मतलब यह है माय डियर स्टूडेंट कि यहां पर आपको हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम लागू करना है। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। पी आपको पता है डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्यू रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इज इक्वल टू वन। पी आपका दिया हुआ था, क्यू हमें निकालना था, तो क्यू बराबर 1 माइनस पी कर दिया तो हमें क्यू की फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब बार बार पूछ रहा है कि अगर ये ए का पूछ रहा है तो इसको स्क्वायर कर देना है, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देना है, प्रॉपर तरीके से चीजें यहां पर निकल के आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी बी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकांड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकांड्रिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कह रहा है एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। आप जानते हैं इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकांड्रिया की आउटर नहीं इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यस, तो पहले स्टेटमेंट यहां पर गलत है। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग, बिल्कुल सही बात है, इससे तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही है। माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स, बिल्कुल सही बात है ना, ये कैसा है, इसके अंदर अपना खुद डीएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमीएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, जब अंदर पहुंचेंगे तभी तो ग्लूकोज का प्रॉपर यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। यस, पाइलुविक एसिड एंट्री कर यहां पर पाइलुविक एसिड बनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है तीनों, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हमारा? ए, तो यहां बिल्कुल सही बात होगी। चलिए जरा इसका आंसर प्रॉपर देख लेते हैं, यही पर पूरा आंसर दिया हुआ है। दिस स्टेटमेंट एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन इज इनकरेक्ट। द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती है वो सीरीज किसकी है? कोएंजाइम एंड साइटोक्रोम, जो कि टेक पार्ट लेती है पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए केमिकल टू इट्स अल्टीमेट एक्सेप्टर। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन। देखो प्रो का मतलब होता है इनएक्टिवेट फॉर्म में, जहां पर भी जैसे प्रोरेनिन इनएक्टिवेट फॉर्म पे है। यस, तो प्रो का मतलब क्या? ऐसा टॉक्सिन अभी इनएक्टिवेट है, टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्रूजेनेसिस इन द बॉलवर्म। आपको पता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी पे, प्रॉपर लाइन दी है, वहां पर बताया हुआ है कि जो अल्कलाइन पीएच होता है गट का, उसकी वजह से जो प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है और फाइनली बॉलवर्म में उसकी डेथ हो जाती है। तो राइट आंसर विल बी इसका बी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से, अगर इसके आंसर को प्रॉपर हम देखेंगे। यस यस, तो वही प्रॉपर आंसर है जो मैंने आपको बताया है कि जो अल्कलाइन पीएच होता है गट का वो ट्रिगर करता है, प्रोटॉक्सिन को एक्टिवेट कर देता है। यस, बालवर में, और जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं, और जब ये अल्कलाइन पीएच में आ जाते हैं तो जो इंसेक्ट की गट है वो सोल्युबलाइज द क्रिस्टल, क्रिस्टल को सोल्युबलाइज कर देता है, और जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो बाइंड कर देता है एपिथेलियल सेल्स जो है मिडगट के, और क्रिएट वहां पर पोर्स को क्रिएट कर देता है, वहां पर छिद्र कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल स्वेल कर जाती है और फाइनली बर्स्ट कर जाती है और इवेंचुअली इंसेक्ट की फाइनल डेथ हो जाती है। तो पता है आप एक तरीके का ये
टेक्नोलॉजी है प्रॉपर, आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी से किस तरीके से प्रॉपर इस तरीके की स्पीसीज को बनाया गया जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है उनसे बचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या है, अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का प्लांट्स है और बड़ा समय ले रहा है फ्लावर को प्रोड्यूस करने में, हम कौन से हार्मोन्स का, फाइटो हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन अप्लाई करें जिससे आर्टिफिशियली हम इंड्यूस करें फ्लावरिंग भी आ जाए पाइनएप्पल में और पूरे ईयर फ्लावरिंग देखने को मिले, यस, और इंक्रीज यील्ड भी हो जाए, मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाए। आपको पता है दो हार्मोन्स हैं, कौन कौन से, ऑक्सिन और एथिलीन। एथिलीन आपको पता है सिंक्रोनाइज करता है, तो राइट आंसर डायरेक्ट है यहां से ऑक्सिन और एथिलीन। जरा इसका प्रॉपर आंसर देख लेते हैं क्या है, अगर हम बात करें तो ऑक्सिन और एथिलीन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज यील्ड। ऑक्सिन इंड्यूस क्या करता है फ्लावरिंग का, फाइटोहार्मोन्स मैंने आपको बताया, एंड एथाइलीन हेल्प टू सिंक्रोनाइज किसका किसको करता है फ्लावर फ्रूट ग्रोथ इन दिस प्लांट में, यस। दूसरे केसेस में आप देखें तो एथाइलीन जो है फेडिंग ऑफ फ्लावर्स का भी काम करता है, फ्लावर्स को मुरझा भी देता है, तो प्रॉपर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सिन एंड एथिलीन। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है और ऑक्सिन प्रॉपर वहां पर फ्लावरिंग का कारण बन रहा है। इस तरीके से हम आर्टिफिशियली पाइनएप्पल्स को पूरे साल एक प्रोडक्टिव प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 केजी, 97% ऑफ द न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 से 3 किलो 300 ग्राम तक के सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब अगर हम एक रेंज बना लें तो इस रेंज में का जो रेंज है वो है 3 to 3.33 kg। अब अगर हम बात करें इसके पहले का रेंज, इसका एक पहले का रेंज होगा और इसके बाद का रेंज होगा, मतलब जो बेबी डेवलप होंगे अगर 3 से कम है तो उनकी डेथ हो जाएगी, और अगर 3 किलो 300 ग्राम से ज्यादा है या 4 किलो से ज्यादा है तो उनकी डेथ हो जाएगी। मतलब सर्वाइव कौन करेंगे, जो 3 किलो मिनिमम 3 किलो हो और मैक्सिमम करीब 3.5 किलो तक जाए। अगर हम बात करें 99% ऑफ द इन्फेंट्स बॉर्न विथ वेट फ्रॉम 2 to 2.5 kg और 4.5 to 5 kg डाई, मतलब अगर उनका वेट 2 से 2.5 किलो है मतलब 3 से कम है तो ये डेथ हो जाएगी, और अगर 4.5 से 5 किलो है तो डेथ हो जाएगी क्योंकि 3 किलो 300 ग्राम से ज्यादा है। मतलब सर्वाइवल के लिए जो फिटेस्ट जो सिलेक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, 3 से 3.5 किलो के बीच में। ये कह रहा है कि ये किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है, तो माय डियर स्टूडेंट ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जो डिफिनेशन बता रहा है आपको पता है ये होती स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, मतलब हम उसे ही सिलेक्ट करना है जो हमने एक बार स्टेबल कर लिया है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा इसका, ए। जरा इन तीनों के बारे में भी देख लेते हैं, डिसरप्टिव साइक्लिकल और डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है, जरा इसके प्रॉपर आंसर को हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहां पर अगर हम बात करें माइडोसेंट कि डिसरप्टिव सिलेक्शंस की अगर हम बात करें तो डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या करता है, फेवर्स करता है, किसको फेवर करेगा, बोथ एक्सट्रीम ऑफ द कंटीन्यूअस वेरिएशन, चाहे कम हो जाए ज्यादा हो जाए दोनों एक्सट्रीम्स को ये एक्सेप्ट करेगा, वहां पर डेथ नहीं होगी। जबकि डायरेक्शनल क्या करता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन सिर्फ वन एक्सट्रीम को फेवर करेगा कंटीन्यूअस वेरिएशन, या तो ज्यादा हो या तो कम हो, यस। और साइक्लिकल सिलेक्शन क्या है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म का, तो कई चीजों का सिलेक्शन कर लेता है, कम हो जाए तो भी ठीक है, ज्यादा हो जाए तो भी ठीक है, और बीच वाला हो जाए तो भी ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग है, लेकिन जो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज, वो पता है आपको ट्राइकोडर्मा क्या होती है, सॉयल फिलामेंटस फॉर्म है ये फंगी का, जरा इसका प्रॉपर आंसर देख लेते हैं क्या है, एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज, यस, जरा इसका प्रॉपर आंसर देख लेते हैं, यस, ट्राइकोडर्मा क्या है, इसको हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में यूज करते हैं प्लांट डिसीज में। एक्चुअली ये फिलामेंटस, मैंने क्या बताया, फिलामेंटस सॉयल फंगस होती है,
जिसमें माइकोपैरासिटिक एक्टिविटी होती है, और दूसरी तरफ आप एनाबीना आप जानते हैं एनाबीना क्लोरेला क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, प्रोटीन का अच्छा फॉर्म है, लैक्टोबैसिलस से कई ऑर्गेनिक एसिड हम प्रोड्यूस करते हैं ये भी आपको पता है, लैक्टिक एसिड है, क्लोरेला क्या सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज हो रही है, एनाबीना आप जानते हैं एनाबीना के बारे में भी। तो इस तरीके से यस ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम कर रही है। तो फाइनली राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कॉन्कोवेलिन ए इज, कॉन्कोवेलिन ए इज, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्कोवेलिन ए जो है एक तरीके का लैक्टिन होता है, क्या होता है ये लैक्टिन होता है। जरा इसको एक्सप्लेन करके हम देख लेते हैं कि कॉन्कोवेलिन करता क्या है क्या ये। अगर इसके प्रॉपर देखेंगे तो कॉन्कोवेलिन ए जो होता है इसको हम कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बाइंडिंग करने वाली प्रोटीन है ये। एक्चुअली इट इज ए टी सेल माइटोजन दैट कैन एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। इसका काम क्या है, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, रिक्रूट करती है किसका, लिम्फोसाइट्स का, और एलिसिट्स करती है साइटोकाइन प्रोडक्शन को, और ये इंड्यूस कर देती है प्रोग्राम सेल डेथ जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्लियर है, वाया माइटोकॉन्ड्रिया मेडिएटेड एपोप्टोसिस। तो राइट आंसर विल बी क्या होगा, ए लैक्टिन। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है। आपको पता है एपोप्टोसिस कब होता है, मान लो सेल डिवाइड्स कर रही है, मान लो उसके अंदर हम सिंपल मान लेते हैं उसके अंदर का जो डीएनए मान लो 1 मीटर है, तो डिवाइड होने के लिए कितना चाहिए भाई, रिप्लिकेशन 2 मीटर हो जाए तभी तो दो सेल्स में एक एक मीटर जाएगा। अब पता चला उसका प्रॉपर रिप्लिकेशन ही नहीं हुआ, तो वहां पर क्या होगी, वहां पर सेल प्रोग्राम डेथ होती है। तो जब मैंने सेल साइकिल पढ़ाया तो वहां पर क्लियर किया एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो मेरा सेल साइकिल वाला लेक्चर जरूर आप लोग लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद द रिस्पेक्टिव डिजीज। आपको पता है 2019 के जो भी मैचिंग के क्वेश्चन थे उसमें एक ब्यूटीफुल पॉइंट्स ये थे कि अगर आपको दो मैचिंग भी आ रही थी तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा था। जैसा आपको पता है इंसुलिन कहां से निकलता है, बीटा सेल्स पैंक्रियाज में, और अगर ये कम निकल रहा है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। यस, तो पहला हो जाएगा ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ देखो यहां पर दिया है और यहां पर भी दिया है, तो अब दो, ये तो दोनों गलत हो गए आपके। फिर क्या कह रहा है, थायरॉक्सिन, कॉर्टिकॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन्स। अगर आप थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स किससे रिलेटेड है, हमारा रिलेटेड है हमारा गोइटर से, तो बी का हो गया हमारा 4, तो बी का देखो 4 यहां मिल रहा है, यहां पर भी बी का 4 है, चलो अभी चल रहा है, तो ए का फिफ्थ, तो राइट आंसर तो हो गया हमारा बी। सी का हो जाएगा फर्स्ट, कॉर्टिकॉइड्स का हो जाएगा एडिसन डिसीज के साथ है, और डी का हो जाएगा थर्ड ग्रोथ हार्मोन। इस तरीके से राइट आंसर हमारे सामने। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राइट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फेट, फेट का मतलब होता है फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। आप जानते हैं जब सिनर्जिड में डिस्चार्ज होते हैं तो एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करता है और दूसरा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है, तो ये तो प्रॉपर एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये प्रॉपर वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राइट आंसर इसका क्या था, सी। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। यस, ग्लिसन कैप्सूल्स कहां से रिलेटेड है, लीवर से, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस कहां पर है, पैंक्रियाज से, बीसी मिला लो हो जाए, बी का क्या है 4 और सी का क्या है 1, तो बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1, ये तो कहीं है नहीं, 4 और 1 ये भी है, और फिर आ जाएगी आपकी ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड कहां पर आती है, डियोडिनम में। ब्रूनर ग्लैंड के बारे में आपको पता है, यही एक ऐसी ग्लैंड है जो सब म्यूकोसल ग्लैंड है ना, ब्रूनर ग्लैंड, तो ये डी का हो जाएगा सेकंड, तो डी का सेकंड कहां पर है, यहां पे है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लीवर को आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इंसिटू कंजर्वेशन। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंसिटू और दूसरा होता है एक्सिटू। इंसिटू का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म जहां पर है वहीं पर कंजर्वेशन उसको प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं इंसिटू। एक्सिटू का मतलब क्या होता है, वहां से निकाल के कोई प्रोटेक्टेड जगह पर रखते हैं उसको बोलते हैं एक्सिटू। इंसिटू आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पर वो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम वहीं पर प्रोटेक्ट कर देते हैं। सैक्रेट ग्रुप्स में भी यही करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में भी यही करते हैं, लेकिन बॉटनिकल गार्डन में ऐसा नहीं करते। बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ले आते हैं और एक पर्टिकुलर जगह में उसको सेपरेट कर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, वहां पर हम प्रॉपर ग्रो कराते हैं। तो इस तरीके का जो कंजर्वेशन है वो इनसिटू नहीं है, ये बॉटनिकल गार्डन वाला कैसा है, एक्सिटू कंजर्वेशन है। तो राइट आंसर विल बी बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इनसिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका आंसर हो चुका है नेक्स्ट। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग जिसको बोलते हैं ESTS रिफर्स टू, किसको रिफर्स करता है, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, नोवेल डीएनए सीक्वेंसिंग्स या जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। यस डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका प्रॉपर आंसर दे रहा हम लोग देख लेते हैं इसको। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, अगर हम बात करें एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रिफर टू द जीन्स, उन जीन्स को रिफर्स करता है जो एक्सप्रेस्ड होती है एज आरएनए के फॉर्म में। These are the DNA sequences that are expressed as messenger RNA for protein synthesis. इसको हम क्या बोलते हैं, ESC. Expressed sequence refers to genes expressed as RNA. RNA किस फॉर्म में, messenger RNA के फॉर्म में। आपको पता है बहुत सारी जीन्स हैं वो inactivate फॉर्म में होती हैं, कुछ ही जीन्स हैं जो activate फॉर्म पे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेशन का। 30-30 क्वेश्चंस हर सेशन में हम ले रहे हैं, तो तीन सेशन में हमारा एक वन ईयर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा 90 क्वेश्चंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहां का पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी का। जनरली कैसा होता है, वो इन्वर्टेड होता है, इस तरीके का होता है। क्यों होता है, जरा इसका आंसर देख लेते हैं प्रॉपर। यस, अगर हम बात करें कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी में जनरली कैसा इन्वर्टेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो बायोमास है किसका, ट्रॉफिक लेवल का, इस बात पे डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड लॉन्गेटिविटी ऑफ इट्स मेंबर। सी के केस में आप देखोगे कि जो बायोमास है फाइटोप्लांक्टन्स का, यूजली वो कम होता है किसके अपेक्षा, जो जूप्लांक्टन्स होते हैं। व्हाई द बायोमास ऑफ द कार्निवोर्स इज ग्रेटर देन स्मॉल कार्निवोर्स एंड जूप्लांक्टन्स। आपको पता है जो इसका होगा पिरामिड इस तरीके का, क्यों, क्योंकि जो बड़ी बड़ी वेल मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, उनका बायोमास सबसे ज्यादा होता है। अगर एक ही ले लिया जाए तो बहुत सारे उसमें जू प्लांक्टन फाइटो प्लांक्टन के बायोमास आ जाएंगे। तो जनरली इसका जो पिरामिड होगा कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा। क्या लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होगा, हमेशा अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉरेस्ट ग्रासलैंड इज आल्सो अपराइट, ये भी कैसा होगा, अपराइट होगा, लेकिन इसका कैसा होगा, ये उल्टा होगा। तो राइट आंसर विल बी इसका क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देखे जो 2019 के क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस देख लिए। आगे के दो सेशन में हम लोग 30-30 क्वेश्चंस और देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट कैसा लगा आपको सेशंस, और अगर आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन, बाय बाय, सी यू, बाय, गुड नाइट।